दुनिया में परोपकार सबसे बड़ा धर्म है और दूसरों की सहायता इस दुनिया का सबसे बड़ा कर्म है। जीवन में दूसरे से उम्मीद कम और खुद पर विश्वास ज्यादा रखिए। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। भीख और सीख ठोकरें खाकर ही मिलती है। जीवन में किस्मत पर नहीं अपनी मेहनत पर गुरूर होना चाहिए। जिंदगी जीने के लिए पिता की दौलत नहीं, पिता का साया ही काफी है। दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलती है, बल्कि आपको इस दुनिया के हिसाब से ढालना पड़ता है। आपका नजरिया सबसे अधिक मायने रखता है कि आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को अवसर के रूप में देखते हैं या फिर कमी के रूप में। जो खुद खुश रहते हैं उनसे दुनिया खुश रहती है। जो जीवन में छोटी मुश्किलों को देखकर ही घबरा जाते हैं वो कभी भी बड़ी सफलता का अधिकार नहीं रखते। दूसरों के ऊपर भरोसा रखने वाले दूसरों की गुलामी करते हैं, लेकिन खुद पर भरोसा करने वाले बेखौफ जीते हैं। मुश्किलें जीवन का दूसरा नाम है, क्योंकि जब मुश्किलें ही नहीं होगी तब जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मीठा पानी सबको भाता है परंतु खारा पानी किसी को नहीं भाता। अब सोचने वाली बात यह है कि मोती समुद्र की गहराइयों में ही बनता है। खारे पानी के मध्य में रहकर हर क्षण भक्षकों से टकराकर अपने अस्तित्व को दांव पर लगाकर ही सीप मोती प्रदान कर पाती है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि बिना संकटों का सामना किए बिना आपको सुख प्राप्त नहीं होगा। इसलिए निडर होकर संकटों का सामना कीजिए। हम सब समय की महत्ता को पहचानते हैं। समय ही हमें बनाता है, समय ही हमें नष्ट कर देता है। कभी समय ठीक चलता है तो कभी बहुत ही खराब समय आता है। विचित्र बात यह है कि हम फिर भी समय को ही नष्ट करते हैं। स्मरण रखिएगा, समय केवल जाता है, कभी आता नहीं है। इसलिए समय की प्रतीक्षा में समय व्यर्थ ना करें। जो भी करना है आज अभी इसी क्षण प्रारंभ करें। फिर चाहे वो किसी को सुख देना हो या स्वयं को बदलने का प्रयास करना हो, कुछ भी हो विलंब ना करें, क्योंकि समय उसी का साथ देता है जो समय का सम्मान करता है। समय कितना विचित्र होता है। समय हमारे साथ हो तो हम स्वयं को राजा मान लेते हैं, वहीं समय यदि विरुद्ध हो जाए तो रंक बनने में समय नहीं लगता। इसलिए मनुष्य की एक आदत होती है कि बुरे समय के लिए कुछ बचा कर रखता है। संबंधी और मित्र बुरे समय में साथ छोड़ देते हैं तो व्यक्ति सोचता है क्यों ना धन संचय कर ले। धन का तो कोई मन नहीं होता जो समय आने पर बदल जाए। संसार कहता है धन का संचयन करते रहो, बुरे समय में काम आएगा ही। मैं कहता हूं शुभ काम करते रहो, आनंदित रहो, स्वयं पर और ईश्वर पर भरोसा रखो, बुरा समय कभी आएगा ही नहीं। बहती नदियां कितनी सुंदर होती है, पावन होती है। जहां से जाती है वहां एक नया जीवन प्रदान करती है, धरा को सींचती है, अकाल को दूर रखती है। और कदाचित इसीलिए नदी को मां समान पूजा जाता है। किंतु क्या कभी आपने ये सोचा है कि नदी जन्म कैसे लेती है? क्या ये प्रारंभ से ही इतनी विशाल होती है? नहीं, ये वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गिरकर मिलती है, एक सूक्ष्म धारा बनती है। और ये धारा पर्वतों के हिम को काटते हुए, स्वयं को पिघलाते हुए जल प्रपातों से गिरती है, चट्टानों से टकराती है और फिर जाके नदी बनती है। इसी प्रकार ऐसे कोई महान नहीं बन जाता, छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक विशाल व्यक्तित्व बनाते हैं। इसलिए जीवन में प्रयास करते रहिए, अस्तित्व अपने आप बन जाएगा। बबूल का पेड़ कितना विशाल होता है, पीपल का पेड़ भी विशाल होता है, किंतु क्या आपने कभी सोचा है क्यों बबूल के पेड़ को काट के उसका उपयोग किया जाता है और क्यों पीपल के पेड़ को पूजा जाता है? इसलिए क्योंकि पीपल का पेड़ उसके नीचे बैठे पथिक को छाया देता है, अपनी डाल पर असंख्य पंछियों को बसेरा देता है, किसी को कांटे चुभोकर दूर नहीं करता बल्कि उसे शीतल छाया देकर उनकी थकान हर लेता है। इस संसार में यदि सम्मान पाना है तो पीपल की भांति ही बनना होगा। कुछ देना सीखो, आनंद, सुख, शीतलता,
बांटना सीखो और कांटों की भांति कभी किसी को कष्ट ना दो। सम्मान स्वयं आपके पास चलकर आएगा। कभी सोचा है जब माता संतान को जन्म देती है तो क्या होता है? 9 माह का गर्भ, प्रसव की तीव्र पीड़ा। कहते हैं ये पीड़ा इतनी भयंकर होती है कि मानो जैसे संतान के जन्म के साथ माता को भी एक नया जन्म मिल जाता है और इस जन्म के साथ अंत होता है माता की पीड़ा का। किंतु यदि आप दृष्टिकोण बदल के देखें तो आप ये समझ पाएंगे कि पीड़ा का ये अंत एक अपार आनंद का प्रारंभ है। संतान माता पिता के लिए सुख का प्रारंभ है। जीवन के साथ भी यही होता है। हम किसी किसी संबंध या किसी स्थिति के पीड़ादायक अंत के कारण इतना विचलित हो जाते हैं कि उस आनंदमयी प्रारंभ को देख ही नहीं पाते। इसलिए स्मरण रखिएगा, पीड़ा आनंद के प्रारंभ का लक्षण है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति का जीवन क्या है? अब आप कहेंगे, जन्म और मृत्यु के बीच का समय है। और मृत्यु कब होती है? जब व्यक्ति सांस लेना छोड़ दे, हाथ पांव चलाना छोड़ दे, सोचना छोड़ दे। ऐसा नहीं है। जल की मृत्यु तब नहीं होती जब वो सूख जाती है। जल की मृत्यु तब होती है जब वो प्यास बुझाना बंद कर देती है। सूर्य की मृत्यु तब नहीं होती जब उस पर ग्रहण लग जाए या जब सूर्यास्त हो जाए। सूर्य की मृत्यु तब होती है जब वो भविष्य में संसार के जीवों को प्रकाश की आशा देना छोड़ दे। उसी प्रकार मनुष्य का अंत, उसकी मृत्यु तब होती है जब उसके भीतर की करुणा का अंत हो जाए। करुणा वो भाव है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है, जो एक मनुष्य को किसी और मनुष्य का कष्ट, उसकी आवश्यकता का अनुभव कराती है, जो उसे बल देती है किसी और की सहायता करने के लिए, उसे पात्र बनाती है इस सृष्टि का नियंत्रण रखने के लिए। देखिए, इस संसार में मृत्यु केवल एक बार होती है, तो इस करुणा को क्यों मारना? स्वयं को मनुष्य बनाए रखिए, मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहेंगे। इस संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है? कोई कहेगा पर्वत पर चढ़ना, कोई कहेगा तैरना, कोई कहेगा उड़ना। किंतु क्या ये वास्तव में कठिन है? असल में देखा जाए तो बस ये थोड़े भिन्न है। जो कर्म हमारे लिए थोड़े भिन्न हो, हम उसे कठिन समझ लेते हैं। जैसे तैरने की कला भिन्न है, पर्वत चढ़ने की कला भिन्न है, उड़ने की कला भिन्न है। जैसे कि कुछ लोग गणित और विज्ञान को कठिन समझ लेते हैं, किंतु वास्तव में बस ये साहित्य से थोड़े से भिन्न है, कठिन नहीं। देखिए, संसार में कठिन कुछ भी नहीं है, बस एक दूसरे से भिन्न है। जैसे कुछ लोग हो, कभी कभी हमें समझ नहीं आता क्योंकि हमारे सोच और विचारधारा से वो भिन्न है। किंतु ये समझ लिया जाए कि वो कठिन नहीं है, बस थोड़े भिन्न है, तो अनेकों संबंधों को बचाया जा सकता है। ये संसार बहुत ही बड़ा है और हम उसके सामने बहुत ही छोटे हैं। इस संसार में लाखों लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हमें समझते हैं कि संसार कितना बड़ा है, कितना अद्भुत है, कितना सुंदर है, और इस संसार की रचना करके ईश्वर ने कितना बड़ा कर्म किया है। किंतु आपको इस जीवन में कुछ मुट्ठी भरी लोग मिलेंगे जो ये बताएंगे कि इस संसार में आप कितने महत्वपूर्ण हैं, आप कितने अद्भुत हो। यदि आप उनके साथ हो तो वो कितना अच्छा सृजन कर सकते हैं इस संसार को, और कितना पवित्र बना सकते हैं। तो इस संसार को पीछे छोड़िए और उन मुट्ठी भर लोगों को महत्व दीजिए, क्योंकि वही आपके अपने हैं और वही आपको उचित मार्ग पर ले जाएंगे। मनुष्य अपने परिवार के लिए क्या कुछ नहीं करता, दिन रात परिश्रम करता है ताकि अपने परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए धन कमा सके। परंतु क्या केवल धन कमाना पर्याप्त है? आप कहेंगे हाँ, क्यों नहीं, धन से सब कुछ मिलता है, विद्या मिलती है, घर मिलता है, औषधि मिलती है, ये सब एक सीमा तक ठीक है। किंतु तनिक मन से सोच के देखिए, जब बालक रोगी होता है तो उस कड़वी औषधि को क्यों पी लेता है? क्योंकि उसके पिता ने इस औषधि को धन से खरीदा है? नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके सामने खड़ा उसका पिता, उसे उन पर विश्वास है, विश्वास है कि वह उसे कुछ होने नहीं देंगे। ये विश्वास, ये संस्कार, ये सीख कभी धन से नहीं मिलती, ये मिलती है उस समय से जो माता पिता ने अपने संतान के साथ बिताया है। इस जीवन में धन अवश्य कमाइए, किंतु अपने परिवार को भी समय दीजिए, प्रसन्नता मिलेगी।
वर्षा के कारण बने कीचड़ से होकर आप अपने घर जरूर गए होंगे, लेकिन चप्पल पहनने के कारण आप उस कीचड़ से तो बच जाते, किंतु उन चप्पलों द्वारा उड़ने वाली बूंदें आपके वस्त्रों को मैला कर ही देती है। किंतु फिर भी इन बूंदों से आपके वस्त्र मैले हो जाएंगे, इस कारण से आप चप्पल पहनना तो नहीं छोड़ते। इसी प्रकार जीवन में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं चप्पल की भांति, जो आपको कीचड़ से तो बचा लेते हैं, किंतु वस्त्र रूपी आपके मन पर शंका के दाग लगा ही जाते हैं। इन लोगों के कारण मन को खिन्न करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यक है ये सोचना कि आपको आपके पांव कीचड़ से बचाने हैं या आपके वस्त्र। जीवन में गंभीर होना अच्छी बात है, किंतु हर बात को यदि गंभीरता से लेने लगोगे तो जीवन का आनंद समाप्त हो जाएगा। ये संसार नश्वर है, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं जो सदा के लिए जीवित रहेगा। तो जब तक ये जीवन है, संतोष और आनंद से जिए। स्वयं पर छिटकने वाले कीचड़ पर ध्यान ना दे, बस आनंद बांटते रहे। परीक्षा एक ऐसी व्यवस्था जिससे मुझे आपको सबको कहीं ना कहीं दो चार होना ही पड़ता है। स्मरण कीजिए, अपने बालपन में आप परीक्षा देने बैठे। अब कुछ बालक ऐसे होते जो वर्ष भर परिश्रम करते हैं, पढ़ते हैं, मन से परीक्षा देते। कुछ बालक ऐसे होते जो अपने आसपास बैठे बालकों की नकल करते और परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो जाते। बुरा लगता है ये सोचकर, कोई बिना किसी परिश्रम के परीक्षा में उत्तीर्ण कैसे हो सकता है। किंतु स्मरण रखिएगा, जो नकल करते हैं वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं, सफल नहीं, क्योंकि वो नकल करते बिना प्रश्न को समझे, बिना उत्तर का तरीका निकाले। यही हमारे साथ भी होता है। हम हमारे जीवन में दूसरों को देखते हैं, उनकी नकल करते हैं, उनकी भांति बनने का प्रयास करते हैं, किंतु ना हमारे जीवन में सफलता आती है ना आनंद आता है। क्यों? क्योंकि हम एक विशेष बात भूल जाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तित्व भिन्न होता है। आप दूसरों की नकल करके अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, किंतु यदि अपने जीवन में सफलता लानी है, यदि अपने जीवन में आनंद लाना है, तो स्मरण रखिए, स्वयं के प्रश्नों का उत्तर जीवन में स्वयं को ही खोजना होता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।